अमदावाद खाते इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा खास कार्यक्रम नो आयोजन कर कार्यक्रम में गुजराती फिल्म नाट्य तेमज विविध क्षेत्र जोड़ेल सम्मान कर सरदार वल्लभ भाई पटेल एवॉर्ड एनायत कर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग चेरमेन सन्नी शाह द्वारा समग्र कार्यक्रम आयोजन कर कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार सहित अनेक आमंत्रित उपस्थित रहा था। कि जो ह्यूमन राइट्स ये जो वर्ड है ये वर्ड का ही मतलब नहीं मालूम किसी को, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है इसके बारे में किसी को भी कुछ नॉलेज नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो अपने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो राइट एक ह्यूमन राइट्स के माध्यम से डेवलप्ड हुआ था। और जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ होते हैं उसके फॉर्मेशन में ये ह्यूमन राइट्स एक डेवलप्ड हुआ था। और इसके पीछे हमारा जो मकसद है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है, दैट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बीन एफिलिएटेड बाय अपना इट इज़ बीन एफिलिएटेड विद ऑल द 32 स्टेट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो इट इज़ एफिलिएटेड इंटरनेशनली। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका ऐसा है कि जितने भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के जो राइट्स वॉयलेट होते हैं, जिनको अपने राइट्स पता नहीं होते हैं, विलेजेस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाओगे, इवन अ एजुकेटेड पर्सन उसको भी अपने राइट पता नहीं होते हैं, और उसको भी अगर उसके राइट पता करने हैं तो ये एक ह्यूमन राइट्स एक ज़रिया बनता है उनको समझ देने के लिए, उनको समझाने के लिए कि क्या कर सकते हैं हम अगर हमको ह्यूमन राइट्स पता है, अगर हमको हमारे राइट्स पता है तो हम कैसे हर जगह पे जाके हम कैसे हमारा मुद्दा रख सकते हैं, हम हमारी बातें रख सकते हैं।